بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد الله وبركاته آئیے نعت پاک سننے اور سنانے سے قبل درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी. सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी. सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी. सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी. जब दरे नबी पर हम सब की हाजिरी होगी. जब दरे नबी पर हम सब की हाजिरी होगी. आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में. आका आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में. हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी. हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी. सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी. जब दरे नबी पर हम सब की हाजिरी होगी. देख तो नियाजी जरा सो गया क्या दीवाना. देख तो नियाजी जरा सो गया क्या दीवाना. उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी. उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी. सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी. जब दरे नबी पर हम सब की हाजिरी होगी. बात क्या है बादे सबा इतनी क्यों मुअत्तर है. बात क्या है बादे सबा इतनी क्यों मुअत्तर है. सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी. सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी. सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी. जब दरे नबी पर हम सब की हाजिरी होगी. सब की हाजिरी होगी. सो खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे. सो खुलेंगे उसके लिए
रहमतों के दरवाजे नात मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी, नात मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सब की हाजिरी होगी। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो ऐ मेरे आका, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो ऐ मेरे आका। मैं आऊँ आपके दर पर, करम हो ऐ मेरे आका। मैं आऊँ आपके दर पर, करम हो ऐ मेरे आका। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सब की हाजिरी होगी। अस्सलामु अलैकुम। हमद पाक पढ़ने से पहले आप हज़रत एक बार दरूद शरीफ़ का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम अलैका हबीबिया रसूलल्लाह। अल्लाह 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 पढ़े। अल्लाह 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 अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, हम्द है खुदाया। ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा सुदा इल्लल्ला, मरबुदा इल्लल्ला। अल्लाह 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 अल्लाह। यही बोल सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले। सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे एक न एक बनाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे एक न एक बनाया। बुलबुल तूती परवाना, हर एक उसका दीवाना। बुलबुल तूती परवाना, हर एक उसका दीवाना। कुमरे किसका मस्ताना, कुमरे किसका मस्ताना, कौन चकोर का जानाना। अल्लाह 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 अल्लाह।
अल्लाह 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 हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल दर रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नज़र तो आया दर रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नज़र तो आया ये न पूछ कैसा पाया 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 मौला दिल का जंग छुड़ा कलबे नूरी पाए जिला मौला दिल का जंग छुड़ा कलबे नूरी पाए जिला दिल को कर दे आईना दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलीमा अल्लाह 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 एक बार दर्द शरीफ को नजर बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दर पर जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो अपने दर पर जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो कैद शैतान से छुड़ाओ तो बहुत अच्छा हो कैद शैतान से छुड़ाओ तो बहुत अच्छा हो मुझको अपना जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो मुझको अपना जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो गर्दिशे दौर ने पामाल किया मुझको हुजूर गर्दिशे दौर ने पामाल किया मुझको हुजूर अपने कदमों में सुलाओ तो बहुत अच्छा हो अपने कदमों में सुलाओ तो बहुत अच्छा हो मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो अपना कह कर जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो अपना कह कर जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो तुम जो मर्दों को जिला
जिलाओ तो बहुत अच्छा हो। अपने दर पर जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो। मेरे बिगड़े जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो। मेरी बिगड़े जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो। एक बार दर्द से अपना उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। हाय ईमान
मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता के दिल में
जो रहमत और मुरवत का मजा है, उनके अमल में जो रहमत और करम का जलवा है वो उन्हीं का सदका है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का क्या कहना, किसी को गुलामी से आजादी मिल रही है, किसी को ईमान की दौलत मिल रही है, किसी को तख्त और ताज का मालिक बनाया जा रहा है, किसी को जन्नत की बहारों में जाने की खुशखबरी दी जा रही है, तो किसी को बाबा फितोस के आला मंजिल में अपने साथ रहने का वादा किया जा रहा है। और दुनिया ने देखा भी कि नबी कौनैन की एक निगाह करम ने मक्के की सरजमीन पर चलते फिरते मुर्दों को जिंदा किया। सिर्फ जिंदगी ही नहीं बख्शी बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को सदाकत, हजरत उमर फारूक को अदालत, हजरत उस्मान गनी को सखावत, हजरत अली मुर्तजा को शुजाअत और तमाम सहाबा किराम को सदाकत व इमामत का ऐसा नमूना बना दिया कि जिसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती। मोहतरम सामने किराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का वाक्य आपके सामने रखता हूँ, समाप्त फरमाए। एक मरतबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ करते करते क्या देखते हैं कि अचानक खाना काबा मुंह के बल आ गया। आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मदरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर झुक थर थरा करके गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे अब तो दीवारें रेजा रेजा हो जाएगी, ईंट टूट जाएगी, गरीबी का आलम है, किस तरह काबे की तामीर की जाएगी। अभी तो काबा खड़ा था, अचानक क्या हो गया कि काबा मुंह के बल आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब खाना काबा से बाहर आते हैं और एक लोंडी से मुलाकात होती है तो लोंडी ने कहा आज हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ है। कसम खुदा के मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुनकर इरशाद फरमाया ऐ मक्का वालों सुन लो, काबा गिरा नहीं था बल्कि काबा सजदे में झुका था। मेरे पोते हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में। आला हजरत फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। यानी हम सबका काबा काबा शरीफ है, लेकिन काबा शरीफ का काबा शरीफ क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजार है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। एक मर्तबा का वाकिया है, हजरत जिब्रील अलैहि सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत आदम अलैहि सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत इदरीस अलैहि सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत अय्यूब अलैहि सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत मूसा अलैहि सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत सालेह अलैहि सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हजरत ईसा अलैहि सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना फरमाना था कि हजरत जिब्रील अलैहि सलाम की ज़बान खामोश हो जाती है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील खामोश क्यों हो, इससे आगे क्यों नहीं बताते? कसम खुदा की मुसलमानों, हजरत जिब्रील अलैहि सलाम जानते थे कि अगर मैं हुजूर अलैहि सलाम की उम्मत को जहन्नम में जाने का तज़किरा करूंगा तो नबी की आंखें आंसुओं से अश्क पार हो जाएगी, नबी का कल्ब सादिक बेचैन हो जाएगा, नबी बेकरार हो जाएंगे, नबी की करारी बेकरारी में बदल जाएगा। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील खामोश की हो, ये तो बताओ कि तुमने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा या नहीं। मेरे नबी के इसरार पर मजबूरन अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया, नबी बेकरार हो गए, नबी की करार बेकरारी में बदल गई, नबी का चैन बेचैनी में बदल गया और मदीना की गली कूचों को सुना कर दिया। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को जब खबर हुई, सहाबाए किराम अल्लाह के रसूल को तलाश करना शुरू कर दिया, कहीं नहीं मिल पाए, घर घर ध्यान डाले, कहीं नहीं मिल पाए। आशिक के रसूल सहाबा किराम आपकी फुर्कत और जुदाई में गिरियाबाजारी कर रहे हैं, हर तरफ उदासी छाई थी, शहर मदीना में एक सन्नाटा छा गया था। इसी आलम हुजूर मनान में एक सहाबी रसूल जो रोजाना
मस्जिद नबी में अपने आका के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, और इसलिए नमाज पढ़ने आते थे कि एक तरफ खुदा की इबादत होगी, दूसरी तरफ चेहरा अनवर की ज़ियारत होगी, एक तरफ नमाज पढ़ी जाएगी तो दूसरी तरफ चेहरा और दुआ की ज़ियारत होगी। ऐसे आलम में सहाबे रसूल मदीने की सारी गली में ढूंढ डाले मगर कहीं नहीं मिल पाए, रोते हुए जंगल की तरफ चल पड़े कि जंगल में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। सहाबे रसूल ने उस चरवाहे से पूछा, ए चरवाहा ये तो बता कि तूने रहमतुल्लिल आलमीन को देखा है, क्या तूने नूरानी चेहरे वाले को देखा है, क्या तूने माज़ाल बसर को देखा है। उस चरवाहे ने कहा, मैं नहीं जानता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, मैं नहीं जानता कि तेरा नबी कौन है। जब सहाबे किराम बेजारी के आलम में आगे बढ़ने लगे, उस चरवाहे ने उस आशिक साबिक के हाल हजार को देखा तो कहने लगा, मैं तेरे नबी को नहीं जानता, हाँ मुझे इतना जरूर इल्म है कि इस सामने वाले तंग तारीख के गार में कोई ऐसा फूट फूट कर रो रहा है कि जिसकी दर्द भरी आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने चकना और चरना बंद कर दिया है। सहाबा किराम समझ गए कि ऐसा दर्द में आवाज में रोने वाला कौन होगा, वो तो मेरे रसूल ही हो सकते हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, उस चरवाहे की जबान से बात तो सुनना था कि सहाबा किराम रोते हुए दौड़ पड़े और रसूल पाक से मुलाकात होती है और क्या देखते हैं कि रसूल मुकर्रम अपने सर मुबारक को सजदे में रखे हुए हैं और अर्ज कर रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती। मोहतरम सामने किराम, आपने सजदे बहुत देखे होंगे लेकिन नबी का सजदा बहुत ही निराला था, मेरे आका का सजदा बहुत ही अनोखा था। अरे मेरे नबी ने सजदा किया तो ऐसा कोई नहीं सजदा किया, हजरत आदम अलैहि सलाम ने सजदा किया तो उन्होंने भी सुभान रब्बिल आला पढ़ा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सजदा किया तो उन्होंने भी यही पढ़ा, हजरत उमर फारूक ने सजदा किया तो उन्होंने भी सुभान रब्बिल आला पढ़ा। किसी मुफक्किर अगर सजदा करता है तो सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ता है, कोई आलिम अगर सजदा करता है तो सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ता है, कोई मुकर्रर अगर सजदा करता है तो सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ता है। नबी से लेकर आज तक की तारीख उठा करके देखो, जब भी किसी ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा, अपने रब को याद किया। लेकिन हमारे नबी ने सजदा किया तो हम गुनहगारों को याद फरमा कर बारगाह खुदावंदी में अर्ज किया, रब्बी हबली उम्मती, यानी ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। मोहतरम सहाबे किराम, मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबे किराम बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं और क्या देखते हैं कि रसूल मुकर्रम अपने सर मुबारक को सजदे में रखे हुए हैं और सारों कतार रो रहे हैं, इस कदर रो रहे हैं कि उनकी आंखों से दरिया जारी है। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नजर होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, आप अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, प्यारे आका अपने सर मुबारक को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। हैरान और परेशानी के आलम में जब बहुत परेशान हो गए, बार बार अर्ज करने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से ना उठाए तो तमाम सहाबा किराम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं, अरे बिनते रसूल, रसूल आजम का पता तो चल गया, अहमद मुख्तार का पता तो चल गया, नबी आखिर जमा का पता तो चल गया, लेकिन अर्ज करते करते थक गए, नबी अपने सर मुबारक को सजदे से नहीं उठा रहे हैं, लिहाजा आप चले। जब हजरत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जाती हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह आप अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, या हबीबल्लाह आप अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। आखिरकार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, या रसूलल्लाह अगर आप अपने सर मुबारक को सजदे से नहीं उठाएंगे तो आज कयामत आने से पहले फातिमा दूसरा कयामत बर्पा कर देगी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बारगाह खुदावंदी में अर्ज करती है, या अल्लाह आज तक तेरे महबूब पाक की बेटी के सर का बाल किसी ने नहीं देखा, आज तेरे बारगाह में अपने दुपट्टा उठाकर तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत की बख्शिश कर दे। तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। आखिरकार हजरत बाद में हजरत जिब्रील अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक व तआला भेजता है और कहता है, जा अपने महबूब से मेरे महबूब से कहो कि मैंने आपकी तमाम उम्मत की बख्शिश कर दी। आखिर में जब अल्लाह ताला ने तमाम की बख्शिश का वादा कर लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब सर उठाए। आला हजरत फरमाते हैं कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया,
दोनों जहां है आपके कब्ज़ और इख्तियार में। सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे फरीश का गुले सेवा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब मैं अपनी दलील में इधर खत्म कर रहा हूं। मां ने जो बोला अस्तगफुरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तौबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।